भादो के पहले सोमवार बाबा घमंडेश्वर महादेव की शाही सवारी निकली। शाही अंदाज और गाजे बाजे के साथ महादेव नगर भ्रमण पर निकले। हाथोद के राजा बाबा घमंडेश्वर अपने भक्तों का हाल जानने के लिए पूरे लाव लश्कर के साथ नगर भ्रमण पर निकले। जी हाँ, हर साल की तरह इस साल भी घमंडेश्वर महादेव की शाही सवारी निकली। सवारी में बड़ी संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ा, तो वहीं लोग जयकारे लगाते हुए नजर आए। सवारी में मनमोहक झांकियां और शिव पार्वती की वेशभूषा आकर्षक का केंद्र रही। बता दें कि सालों से बाबा घमंडेश्वर की शाही सवारी निकलती आ रही है। सालों पहले कुछ ही लोगों ने यात्रा की शुरुआत की थी, लेकिन बाबा घमंडेश्वर की कृपा ऐसी हुई कि साल दर साल भक्तों का सैलाब बढ़ गया और अब ये सवारी विराट रूप ले चुकी है। घमंडेश्वर महादेव समिति द्वारा यह 11वां वर्ष है 2008 से घमंडेश्वर बाबा का शाही सवारी प्रारंभ हुई थी। पहले 10-12 हमारे भक्तों ने कार्यक्रम प्रारंभ किया था, लेकिन आज पूरे गांव के लोग एक साथ जुड़कर सभी ने कार्यक्रम अपना समझ लिया है और पूरा गांव तन मन धन से इस कार्यक्रम को बढ़ा रहा है और एक अच्छा जो है हमें इसका प्रसाद मिल रहा है। और इस प्रकार हम यही जानना चाहते हैं कि प्रतिवर्ष भगवान घमंडेश्वर महादेव का यह कार्यक्रम बहुत जय बाबा घमंडेश्वर। जय श्री जय बाबा घमंडेश्वर महादेव। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बाबा की शाही सवारी भव्य रूप में यहाँ से निकल गई है और हर साल से यहाँ पर जन आक्रोश धर्म हमारे जो धर्म भक्त है आसपास से गांव के आए हुए सभी महानुभाव धर्मांतगण आज इतनी संख्या है कि पूरा लवाजमा कैसे क्या चल रहा है, कैसे यहाँ पर शिवमय पूरा हाथों हो चुका है ये आप सब देख सकते हैं। और आज बाबा घमंडेश्वर की कृपा से इस हाथों में भव्य आयोजन 1 से 1.5 किलोमीटर का हमारा झांकी और बाबा की शाही सवारी है। मैं सभी आए हुए अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और विशेष वंदन मैं करता हूँ कि आज हमारे बीच में MP न्यूज हर साल आता है और इस साल भी बढ़ चढ़कर आया है। मैं आपका भी आभार करता हूँ। जय शिव जय बाबा घमंडेश्वर। कुल मिलाकर यात्रा के दौरान जहां आस्था का सैलाब देखने को मिला, तो वहीं हर कोई बाबा घमंडेश्वर की एक झलक पानी को बेताब नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज इंदौर।